आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, प्रोफेसर वानखेड़े, डॉक्टर अर्चना ठाकुर जी, सभागार में उपस्थित विद्वज्जन और वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए प्रोफेसर ठाकुर के सभी प्रेमी देवियों, सज्जन और मित्रों, मनोविज्ञान एवं विज्ञान ने मानवता के आध्यात्मिक विकास में बड़ा योगदान किया है और इस जुगलबंदी में मनोविज्ञान विषय के अकेडमिक एवं व्यवहारिक स्वरूप को देश नहीं बल्कि बाहर भी, देश के बाहर भी नया आयाम देने में प्रोफेसर जीपी ठाकुर साहब का बड़ा अप्रतिम योगदान रहा है, अतुलनीय योगदान रहा है। केवल क्लासरूम की परिधि से नहीं बल्कि क्लासरूम से मनोविज्ञान को बाहर निकालकर उसकी व्यवहारिकता को व्यापक आकार देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर जी पी ठाकुर की पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। अभी बताया गया कि 15 अप्रैल को गत वर्ष प्रोफेसर ठाकुर की पुण्यतिथि 15 अप्रैल को थी। मैं जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे समाज हो, युवा पीढ़ी हो, मनोविज्ञान के शोधकर्ता हों, सभी उनके योगदान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करके उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मुझे स्मरण है देहावसान से कुछ महीने पहले उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपराओं में मनोविज्ञान विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया था। उस उद्बोधन का वीडियो मैंने देखा। प्रोफेसर ठाकुर इस बात से दुखी थे कि हमारी ज्ञान परंपरा में मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक आधार मौजूद है, हमने उसका कभी इस्तेमाल नहीं किया और इसलिए हमें पश्चिम से मनोविज्ञान उधार लेना पड़ा। उन्होंने अपने उद्बोधन में एक और बात कही जिसका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। विलियम जेम्स पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1892 में चेतना की निरंतरता की बात की थी। प्रोफेसर ठाकुर ने संस्कृत के एक श्लोक के द्वारा यह सिद्ध किया कि चेतना की निरंतरता की विशुद्ध वैज्ञानिक धारणा सदियों पूर्व भारतीय ज्ञान परंपरा में मौजूद थी और मैं वह श्लोक आप सभी के समक्ष अवश्य उद्धृत करना चाहूँगा। चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने, चला चले ही संसारे धर्मो एको ही निश्चल। यानी चित्त निरंतर बदलता रहता है लेकिन धर्म अपरिवर्तित रहता है। अब रामचरितमानस, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अनेक ग्रंथों में मौजूद मनोविज्ञान की धारणाओं का जिक्र प्रोफेसर ठाकुर ने किया उसमें और कहा कि सैकड़ों वर्ष तक भारत ने गुलामी को सहा, इसलिए पाश्चात्य जगत में मनोविज्ञान का जो विकास हुआ वो हमारे देश में नहीं हो सका। शोधकर्ताओं की आबादी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके उस वैज्ञानिक का आधार देने में कहीं न कहीं चूक गई। मैं सिर्फ मनोविज्ञान नहीं बल्कि शिक्षा से जुड़े सभी गुरुजनों, शोधकर्ताओं तथा लेखकों और चिंतकों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि 4 दिसंबर 2021 का प्रोफेसर जीपी ठाकुर साहब का वो भाषण ये जरूर सुने, क्योंकि मनोविज्ञान सिर्फ उनके विषय तक सीमित नहीं है बल्कि मैं मानता हूं कि कोई भी प्रोफेशन हो बिना मन एवं चेतना के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। एक दूसरा आग्रह भी मैं करूँगा आज के अवसर पर। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल के लिए 5 प्रण यानी 5 संकल्प देश को दिए हैं। इस 5 प्रण में दूसरा प्रण जो है औपनिवेशिक मानसिकता के हर निशान को समाप्त करना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में गुलामी का एक भी अंश न बचे, ऐसी सोच विकसित करने की जरूरत। और जो तीसरा प्रण अपनी विरासत पर गर्व करना, उसे जीवंत बनाना, जिस विरासत ने देश को
कभी स्वर्णिम काल दिया था, उसी विरासत की ऊर्जा के द्वारा आज हम दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, विश्व में एक ताकत के रूप में उभरे हैं। और मुझे लगता है कि आगे का रास्ता भी हमारा विरासत के आधार पर विकास हो, ये अगर रहेगा तो मैं मानता हूं कि हमारा देश चेतना में विश्व का मार्गदर्शन कर सकेगा। अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो मेरा मनोविज्ञान से कोई वास्ता नहीं है, पढ़ाई लिखाई मैंने विज्ञान और इंजीनियरिंग की, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी क्षेत्र मनोविज्ञान के बिना अधूरा है। कोई इंजीनियर भी अपने व्यक्तित्व के वास्तविक केंद्र का अनुभव किए बगैर न कोई नई खोज कर सकता है, न ही कुछ नया निर्मित कर सकता है। एक महत्वपूर्ण विषय मनोविज्ञान में आता है साइकोसिंथेसिस, यानी मन को जोड़ना या अलग अलग विचारों को अखंड संपूर्णता प्रदान करना। मुझे लगता है कि मन की अखंड संपूर्णता सिर्फ इंजीनियर के लिए नहीं बल्कि सभी प्रोफेशन के लिए जरूरी है। दुर्भाग्यवश जब भी व्यक्तित्व के केंद्र तथा साइकोसिंथेसिस की चर्चा होती है तो चर्चित मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट ओसिजियोली का जिक्र होता है, लेकिन कहीं भी हम कैवल्य उपनिषद का जिक्र नहीं पाते हैं। मैं ओसिजियोली के योगदान की भूरी भूरी सराहना करता हूं और फ्रायड युग जैसे मनोवैज्ञानिकों के अनुसंधान की प्रशंसा भी करता हूं, लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा में मौजूद अनेक ऐसी विभूतियों को तराश नहीं पाए हैं, उन्हें वैज्ञानिक आधार प्रदान नहीं कर पाए हैं। ये मैं मानता हूं कि हमारी कमजोरी है और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए और इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और आज ये अवसर मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत ही उपयुक्त दिन होगा। ये बातें सिर्फ मनोविज्ञान की कक्षा और किताबों तक सीमित नहीं है। अगर आर्ट्स और कला के बच्चों को देखें तो पहले किताब पढ़ाई जाती थी कविता और कला के संबंध में, अरस्तु का सिद्धांत। हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी अगर इस किताब से परिचित नहीं है तो कम से कम वह अरस्तु के व्यक्तित्व से अवश्य परिचित है, लेकिन कम लोग हमारे देश में आचार्य मम्मट के बारे में जानते होंगे, जिन्होंने काव्य शास्त्र पर दुनिया की सबसे बेहतरीन रचना काव्य प्रकाश रचा था। आचार्य मम्मट कश्मीरी पंडित थे, उनकी किताब का एक बेहतरीन अंग्रेजी में अनुवाद प्रोफेसर गंगानाथ झा जो प्रयागराज विश्वविद्यालय में थे उन्होंने किया था, और 1950 से 60 के दशक में अनेक विदेशी विद्यार्थी या रिसर्चर्स के बीच ये पुस्तक बड़ी लोकप्रिय हुई। कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद जो है, जिसमें यमराज बालक नचिकेता को समझा रहे हैं कि इंसान जीवन में अपने आसपास वही देखता है जो वो देखना चाहता है, वह स्वयं तय करता है कि उसे क्या देखना है और क्या इग्नोर करना है। ये मनुष्य का स्वभाव है, अधिकतर चीजें आदमी इग्नोर करता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने रिसर्च से यही बात साबित की है कि हम जो देखने के लिए आतुर हैं सिर्फ वही देखते हैं, बाकी घटनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्मनी में इसी पर आधारित एक स्कूल विकसित हुआ जिसे गेस्टलॉट मनोविज्ञान, गेस्टलॉट साइकोलॉजी कहते हैं। आकाश में कई बार बादल चल रहे होते हैं तो किसी को उसमें इंसान का चेहरा नजर आता है तो किसी को शेर दिखाई पड़ता है। अगर आप परसेप्शन पर जितनी भी मॉडर्न स्टडी आज की गई है उसको पढ़ेंगे तो उसमें कठोपनिषद का रिफ्लेक्शन जरूर नजर आएगा। हमारी ज्ञान परंपरा में साहित्य के ऐसे भंडार भरे पड़े हैं और अनेक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो प्रतिभा के उत्तुंग शिखर पर खड़े होने के बावजूद समाज के कोने कोने तक नहीं पहुंच सके हैं अभी। मुझे लगता है कि ये कोशिश देश में हो रही है। समाज में अनेक अभूतपूर्व योगदान देने वालों को दुनिया के सामने रखना, ये आप सब प्रबुद्ध लोगों के कंधों पर ये नैतिक दायित्व है। और मुझे लगता है कि मैं आपसे अनुरोध करूँगा, ये आपका दायित्व भी है और जिस आकांक्षा के साथ देश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है उस कालखंड में
ऐसे व्यक्तित्वों से समाज परिचित हो, उनसे ऊर्जा प्राप्त करे और हर एक सेक्टर की उम्मीदों को पूरा करने का सामर्थ्य भी पैदा किया जा सके। एक सशक्त समाधान के रूप में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, मुझे लगता है कि कितना सही ढंग से हम उसे जमीन पर उतार सकते हैं, ये हमारे देश का भविष्य तय करेगा। उसमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बड़ी चर्चा है। वास्तव में विद्यार्थी को की प्रतिभा को वास्तविक रूप से निखरने में ये निश्चित रूप से मदद करेगा। यदि बच्चा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से चूक जाता है तो कोई भी प्रशासन या समाज एक पारदर्शी समाज की स्थापना नहीं कर पाएगा। 5 से 18 वर्ष की आयु का बच्चा लगभग 30,000 घंटे स्कूल कैंपस में बिता रहा है और इसलिए स्कूल कॉलेज कैंपस इस व्यवस्था को निर्मित करने के सबसे उपयुक्त स्थान हो सकते हैं। एक महान अध्यापक थे बेस्टोलॉजी, वो कहते थे कि मुझे सिर्फ 7 साल के लिए एक बच्चा दे दो, उसके बाद चाहे वो ईश्वर से मिले या राक्षस से मिले, उस बच्चे को कोई नहीं बदल पाएगा। मैं मानता हूं कि आने वाले भविष्य का जो ह्यूमन कैपिटल यहां तैयार होना है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन उसके लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित हो सकता है। कनेक्टिविटी और कंटेंट अगले 25 वर्षों के लिए हमारे देश की नींव रखेगा। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रगति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए जिस रफ्तार, उत्सुकता, समर्पण, त्याग और सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है उसे पूरा कर सकेगा। मैं समझता हूं कि इसके द्वारा भविष्य के लिए तैयार किए जा रहे ह्यूमन कैपिटल ग्रामीण और शहरी विभाजन को भी कम कर सकेंगे, सुविधाओं का समान वितरण सुनिश्चित कर सकेंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, सर्विसेस हो, सभी सेक्टर्स को आपस में भी कनेक्ट करेंगे, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाएंगे और प्रशासनिक जो व्यवस्था है इसे और अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में भी सहयोग कर पाएंगे। मित्रों, प्रोफेसर गिरधर प्रसाद ठाकुर जी के योगदान को स्मरण करते हुए उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं कभी नहीं भूलना चाहूँगा। मेरा आग्रह होगा कि भावी मनोवैज्ञानिक भी उस पर विशेष ध्यान दें। 1920 में जर्मन मनोवैज्ञानिक कार्ल डायम ने खेल मनोविज्ञान लैब की शुरुआत की थी। बाद के वर्षों में रसिया और अमेरिका में भी इसका विस्तार हुआ और उसके पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य था खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाया जाए, लेकिन एक साइंस के रूप में इसे 1995 में मान्यता मिली। हिंदुस्तान में इस पर अध्ययन करने वालों में प्रोफेसर जीपी ठाकुर मैं कहूं कि सबसे आगे थे, अग्रणी थे, और मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र में उनकी प्रतिभा इतनी बुलंद थी कि बाकी सब रिसर्च बहुत पीछे नजर आता है। मनोविज्ञान की संभावना को खेल के प्रदर्शन की दिशा में मोड़कर उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान इस देश को दिया है। स्पोर्ट्स के लिए किस प्रकार के वातावरण की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन खिलाड़ियों के वेलबींग के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अनेक ऐसे विषय हैं जिस पर उन्होंने बकायदा साइंटिफिक रिसर्च किया। और आज जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिंदुस्तान के विजेता ध्वजवाहकों को देखता हूं, तो इस विजय यात्रा के पूरे सपोर्ट सिस्टम के प्रति जब दृष्टि जाती है तो प्रोफेसर ठाकुर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मैं समझता हूं कि आज हम सबका धर्म हो जाता है। आज नौजवानों की आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं और बदलते भारत की तस्वीर भी खेल के मैदानों में नजर आ रही। मैदान में खिलाड़ियों का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का जो जज्बा है, वही जुनून समाज के हर एक नागरिक में हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और मुझे लगता है कि यही प्रोफेसर गिरधर प्रसाद ठाकुर जी की स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। व्यक्तिगत रूप से मेरा उनसे परिचय बड़ा पुराना है, मैं भी बनारस में पढ़ा लिखा। और एक घटना मैं डॉक्टर साहब बताता हूँ, मैं हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ रहा था तो उस समय 500 रुपये की बड़ी कीमत होती थी। जिन 4 लोगों ने मुझे 500 रुपया दिया उसमें प्रोफेसर जीपी ठाकुर भी थे। तो ये
और मुझे लगता है कि जीवन के अंतिम क्षणों तक जो दूसरे के लिए जिए वही महामानव होता है, और जीपी ठाकुर उसी तरह के एक महामानव थे। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करके आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूँ। धन्यवाद।